क्या धातु जाने से कमजोरी आती है, इसके बारे में आज आपसे मैं बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। एक 28 साल का युवक मेरे क्लिनिक में आया और वो काफ़ी डाउन, नर्वस, डिप्रेस्ड था, बहुत ही ऐसा गला हुआ, बहुत डरा हुआ और बोल रहा कि मेरे पूरे बदन में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत वीकनेस लग रहा है, ऐसा लगता है कि मेरे में ताकत ही नहीं है, मेरी जान निकल गई है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं, कोई काम करने में इंटरेस्ट नहीं है। और फिर समझता नहीं मैं क्या करूँ, अभी मेरी उम्र 28 साल की, मतलब करते क्या हो? बोले मैं खेती में काम करता हूँ, अगर आजकल खेती में जाना बंद कर दिया। हुआ क्या, क्या प्रॉब्लम? बोले कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बहुत ही आजकल कमजोरी लग रही है। तो फिर मैंने बोला ठीक है भाई, आप हम ऐसा करेंगे, हम तपास लेंगे, अलग अलग तपास करके लेंगे कि भाई इतनी कमजोरी क्यों आई आपको। तो बोले नहीं, उसने तो फिर एक 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 फाइल निकालना चालू कर दिया, चार पांच फाइल निकाली अलग अलग कंसल्टेंसी, मतलब कंसल्टेंट के पास में गया था, वो सब तरह की जांच की हुई और उन्होंने बताया कि आपको कुछ भी तकलीफ नहीं है। बोले कुछ भी तकलीफ नहीं है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे जान नहीं है, ताकत नहीं है, तो मुझे, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, तकलीफ नहीं है आप ऐसा बोल रहे, कोई बीमारी नहीं ऐसा बोल रहे। नहीं, सब लोगों ने उसको इंजेक्शन दे दिए, कोई टॉनिक दिया, किसको कुछ, किसको किसने कुछ दिया और उसको घर पे भेज दिया। फिर मेरे पास में आया कि देखो आपकी वीडियो मैंने देखे और आपकी वीडियो से मुझे मालूम पड़ा कि नहीं, आपके पास में इसका इलाज हो सकता है, तो इसलिए मेरे पास में आया। मतलब आप मेरे पास में आए तो कैसे आए? बोले नहीं, मैं हस्तमैथुन बहुत करता हूँ और मेरा वीर्य बहुत जाता है, और वीर्य मेरा जाता है बहुत ज़्यादा, मैं हस्तमैथुन नहीं करता हूँ तो वीर्य जाता है। हस्तमैथुन दो तीन बार दिन में करना ही पड़ता है, और अभी तो ऐसा हुआ इन दिनों में कि मुझे हस्तमैथुन करने की इच्छा भी नहीं है, मज़ा भी नहीं आता, तभी वो करना ही पड़ता है। मतलब वो ऑब्सेशन लेवल पे उसका गया हुआ था, और फिर नहीं किया तो फिर नॉक्चर्नल एमिशंस हो जाएगा उसका, नाइटफॉल हो जाएगा, स्वप्नदोष हो जाएगा, और वो भी नहीं हुआ तो फिर पेशाब के पहले चले जाएगा धातु। तो इसलिए वो था कि भाई मेरा धातु रोज जा रहा है, और वो उसके मन में पक्का विश्वास था कि जब धातु जो है वो एक धातु का बूंद जो है वो 80 खून के बूंद के बराबरी का है। बोले इतना मेरा जो ताकत है वो निकल रही है, इतना मेरा खून बराबरी का एनर्जी बाहर जा रहा है, तो अभी मैं तो गल गया हूँ, पता नहीं मेरा क्या होगा, तो मुझे लगता है कि मैंने सुसाइड करना चाहिए। बोला भाई आपने कुछ पढ़ा है? मेरा किताब पढ़ा है, उसको मैंने किताब बताया, आनंदी वैवाहिक जीवन करके किताब है मराठी में, वो उसको पढ़ने लगा, लोग किताब पढ़ा है, मैंने कुछ वीडियो देखे, बोले हाँ देखा है सब, तभी वो विचार जाता नहीं है। मतलब अभी ऐसा हो गया कि उसको उम्र में आया, उसको अच्छा लगने लगा, तो उसने हस्तमैथुन करना चालू किया। सबसे पहले उसको नाइटफॉल हो रहा था, स्वप्नदोष हो रहा था, बाद में किसने बताया तो हस्तमैथुन करना उसने चालू कर लिया, और अभी वो इतना ज़्यादा हो गया कि वो ऑक्सीजन लेवल पे आ गया, और अभी उसको एनर्जी सब चली गई। वो इतना हो गया कि अभी उसको लगता है कि नहीं, अभी उसके वजह से हुआ, और कुछ भी वीडियो देखो, पढ़ो, बताओ, किसके पास में भी जाओ, सुनने को तैयार ही नहीं। मतलब ये देखो, आप सुनने को तैयार होंगे यदि मेरे पास में आप आए, तो आप मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं। तो मैंने आपको तपास लिया, उसको मैंने पूरा तपास लिया, मैंने आपके लिंग में कुछ भी तकलीफ नहीं है, आपके बॉडी में कुछ भी बीमारी नहीं है, आपकी बीमारी यहाँ है, क्योंकि यहाँ एक बार पक्का आपका विश्वास हो गया है कि मैंने बहुत ताकत खो दी है। बस एक बार विश्वास हो गया तो फिर जान निकल जाती है, क्योंकि आदमी जो भी सोचता है, जो भी विचार करता है और जिसके ऊपर भी विश्वास रखता है वैसा ही हो जाता है। उसका पक्का विश्वास था सीमेंट जाने से या वीर्य जाने से, धातु जाने से कमजोरी आती है, ऐसा विश्वास उसका था, उसके वजह से उसको कमजोरी आना चालू हो गया। तो उसको मतलब बताया कि आपकी यदि इच्छा है तो मैं कुछ बात कर सकता हूँ, और विश्वास ही नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप निकल जाओ। नहीं, बोले मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी आपको सुनूंगा। बोला सुनूंगा तो फिर देखो, चलो बात करते हैं। उसको काउंसिलिंग के 2-3 सेशंस मैंने दिए, धीरे धीरे मैं जो बोल रहा था उसके ऊपर विश्वास करने लगा, क्योंकि उसको मैंने बताया कि देखो सब टेस्ट नॉर्मल है। अब यहाँ एक बार हो गया कि नहीं मैं कमजोर हो रहा हूँ, सच्ची कमजोरी आना चालू हो जाती है। तो ये कैसा, मतलब भाई बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे पास में लोग आते हैं, उनको मैं एक इंजेक्शन देता हूँ बी कॉम्प्लेक्स का, और उनको बोलता हूँ कि बहुत मैंने ताकतवर इंजेक्शन दे दिया, उनको अच्छा लगना चालू हो जाता है। किसको हम सिर्फ एक सलाइन की बॉटल लगा देते हैं, DNS की 1 लीटर की, आइसोलेट की 1 बॉटल लगा देते हैं, और बोलते कि हाँ अभी उसमें एक पीला मैंने दवाई डाला हुआ है बॉटल में, और अभी उससे बहुत आपको ताकत आ जाएंगी, और वो बॉटल जाने से उसको अच्छा लगने लगता है क्योंकि उसका विश्वास है। तो ये जो विश्वास है वो आपको बीमार बना रहा है।
धीरे धीरे उसको मेरा बोलना पट रहा था और उसमें से वो बाहर आ गया। मेरा यही लोगों को कहना है कि भाई धातु जाने से, स्पर्म जाने से, स्पर्मेटोरिया होने से, नाइटफॉल होने से, नॉक्टर्नल एज होने से, हस्तमैथुन करने से कुछ भी नुकसान होता नहीं, कोई बदन की बीमारी होती नहीं है। आप आपका विश्वास बदलो, उसके ऊपर विश्वास मत करो ये चीज़ों के ऊपर, तो आपको कुछ बीमारी होंगी नहीं और आपकी उत्पादन क्षमता अच्छी रहेगी। आपकी उत्पादन क्षमता अच्छी रहेगी, आप अच्छा काम करना चालू रखोगे, वहाँ से अपने देश का विकास होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो सभी नौजवानों को शेयर करो, ताकि कहीं ना कहीं किसके दिमाग में कुछ बैठा होगा अंदर जो बाहर नहीं बोल रहा होगा, उसका एजुकेशन इसमें हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।